क्या नाम है, याददाश्त भी कम होती जा रही है यार। यार तू डायलॉग बता रहे हैं तो डायलॉग के हिसाब से हम काम करेंगे, हम एक्टिंग खुद कर रहे हैं। जी जी हाँ, तूने तो हमें डायलॉग बता दिए, एक्टिंग तो हम खुद कर रहे हैं ना। आपकी शूटिंग भी देखनी है एक आते हम। नहीं, जब चाहो देख सकते हो। हम दामाद जी जब किस दिन बनाएंगे आपको फोन कर देंगे कि हाँ यार दामाद जी मांग रहे हैं। जी 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 हाँ, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। आज हम आपको किसान अली भाई के चाचा से मिलवाएंगे, जिनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है और जिनके काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और जिन्हें काफ़ी जनता प्यार करती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। ठीक हो भाई? शुक्र है मालिक का। और सुनाइए क्या हाल है? बस बढ़िया है। हमने सोचा हम आए जादवपुर से, हाँ तो चाचा से मिल के आए आज। ईशान अली भाई तो मिले नहीं हमें जी। तो आप अभी वीडियो बनाते हैं क्या? हाँ, और राजा हसन के नाम से। अच्छा अच्छा, अलग चैनल बना दिया है जी। क्या नाम है? मोबिन अलवी। अच्छा, मोबिन अलवी के नाम से चैनल है आपका? नहीं, राजा राजा हसन के नाम से। अच्छा, राजा हसन के नाम से आपका चैनल है। जी जी। तो हमने जो हमारा चैनल है जो बरेली राम ब्लॉगर के नाम से है, 85 सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो हाँ, थोड़ा 85,000 सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, तो हम तो हमने सोचा आज मिलेंगे थोड़ा आपसे बात। लेकिन मेरा चैनल ऐसा चला, मैं आपको बताऊँ, माशाल्लाह मेरा 6 दिन में जो है 57,000 हो गया। अच्छा अच्छा, 6 दिन के अंदर। बहुत अच्छा है फिर तो। जी भाई, अभी कर देंगे यार, चिंता मत करो, अभी कर देंगे। तो जो आप ईशान अली भाई के साथ वीडियो बनाते थे तो आप कुछ मिलता था उसमें? भाई मैंने 1 साल ऐसी मेहनत करी है, सिर्फ 5,000 रुपये। अच्छा, 5,000 रुपये? 5,000 रुपये महीना। तो किसमें मेरी 11 वीडियो वायरल हुई। अच्छा, नहीं आपको क्या, हजारों नहीं लाखों लोग जानते हैं आपको, ऐसी बाजी बाजी आने। इतना कुतना कुत्ता होता अपने पेट पर भरना चाहता, दूसरा का नहीं समझता। नहीं हाँ, ये बात सही है। लेकिन आपने वीडियो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है आपने। यार तू डायलॉग बता रहे हैं तो डायलॉग के हिसाब से हम काम करेंगे, हम एक्टिंग खुद कर रहे हैं। जी जी हाँ, तूने तो हमें डायलॉग बता दिए, एक्टिंग तो हम खुद कर रहे हैं ना। और क्या, कि हमें कौन से किस मूड से हमें काम करना। हाँ ये है। तो 5,000 रुपये मिलते थे आपको केवल? केवल 5,000 भाई। अच्छा, ये तो बहुत कम रुपये मिलते थे जी। YouTube से मेरे ही पैसा आ रहा था, वो ही मुझे नहीं मिला। हाँ, आपकी YouTube से मेरे ही पैसा आ रहा था, वो ही मुझे नहीं मिल पा रहा था। वो तो अपना पेट चाह रहा था कि मैं अपना पेट भर लूँ। नहीं, अब आपका चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलेगा अब। अब अल्लाह का शुक्र है, देखो बहुत नियत साबुत है। हाँ, मेरी टीम में कुल 7 आदमी हैं। अच्छा, और मैं खुद ही अपनी कहानी खुद ही लिखता हूँ, खुद ही मैं अपनी करता हूँ। अच्छा अच्छा, राजा को कोई मतलब नहीं बेचारे को। तो आप खुद ही लिखते हैं डायलॉग? मैं डायलॉग खुद ही बताता हूँ, खुद ही करवाता हूँ मैं। अच्छा, सही है। क्या आदमी ये समझे कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा? नहीं, अनपढ़ भी मेरा भाई दिमाग रखता है। क्यों नहीं रखता अनपढ़? देख, दिमाग सबके पास है, पढ़ लिख के थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता जो कि किसी की इज्जत ना जान। मैंने बहुत समझा यार इसे। मेरे बेटे क्या कर रहे थे, 5 बेटे, क्या पापा कहाँ तुम सलमानी कर रहे हो, सलमानी के संग काम कर रहे हो? मैं क्या कर रहा था यार, वो ही मेरे बेटे। सही है। अभी हम मिलने गए थे तो वो बता रहे कि सूट पे गए हैं, मिले नहीं मिलने का। अरे सब ऐसी है, कोई सूट वूट नहीं यार। हाँ, नहीं तो होता है, अगर कोई धोखा दे हमें, जो हम जिसके साथ में हम पूरे जी जान से लगते हैं, वो धोखा दे तो काफ़ी दुख होता है। आदमी ना मतलब फर्ज इंसान है आजकल का। मेरी बेटी देखो, सानिया इधर आ। तो आपकी फैमिली भी वीडियो साथ में बनाते होंगे, पूरी फैमिली की? नहीं, मैं मेरी कोई फैमिली की भी नहीं बनाता, कोई फैमिली का मैं ही हूँ। अच्छा, बाई टाइम हुआ तो अपनी ये छोटी वाली बेटी को ले लिया, वरना कोई। अच्छा अच्छा जी, नहीं सही है, आप तो पहले से ही वायरल हैं। तो जी जी जी, लोग आपको देखना चाहते हैं, काफ़ी देखना चाहते हैं जी। और आपके डायलॉग भी काफ़ी वायरल हैं, और दामाद जी वाला डायलॉग तो काफ़ी वायरल हुआ था। पूछो ना भाई, हर आदमी अपने आप को हीरो समझ रहा है कि मैंने हीरो हो गया। नहीं देखो, ये सब जनता का प्यार होता है, आज है तो कल नहीं भी होता है, ऐसा भी हो जाता है भाई। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ में गलत करता है तो वो जनता बर्दाश्त नहीं करती है। तो भाई कितने कमेंट आ गए यार, बहुत तेरे कमेंट लिख के आ गए लोगों के। हाँ, ये बताओ
हाँ मैंने पढ़े भी हैं, काफी पढ़े। यहाँ हर किसी से, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, मुझे दुआ सलाम हर किसी से बना के चलता हूँ, मतलब से सलाम नहीं करता हूँ मैं। नहीं ये बात सही है, हिंदू मुस्लिम क्या है उसमें, मैं मतलब से सलाम नहीं करता हूँ मेरा भाई ना, मैं मतलब फरस हूँ, मैंने दुनिया देखी है यार, कल का बच्चा वो मुझे सिखा रहा है। नहीं आपकी उम्र भी काफी, क्यों नहीं देखा आपने, तो कुछ देखा है तो फिर आपकी सूट वूट कब चल रहा था, कल कल चलाएगा, कल भी चला सूट, और सूट अब भी चला, आता होगा भतीजा हमारा राजा। अच्छा वही, वो तो खानदान ही है मेरा। अच्छा राजा, हाँ मेरे भैया ने मुझसे जो कहा, उन्होंने बुलाया दोनों भाइयों ने, चलो नवीन आप अपना यार भतीजा, मैंने ठीक है चलो काम हो, हम लोगों ने काम करा, अल्लाह माँ तो हमारे सात दिन में बहुत अच्छा होगा, खुदा का शुक्र है, एहसान है मालिक मौला का यार। हाँ ना उनका ही करने आए, सब कुछ वही करते हैं। पहले यार नियत भी तो साफ रखो तुम अपनी। तो आप अभी और भी कोई काम करते हैं क्या? मैं जी कबाड़ का काम करता हूँ। अच्छा मैं अपनी असलियत दिखा देता हूँ कि देखो मैं कबाड़ का काम करता हूँ, ये नहीं अपनी सेंसाई दिखाऊँ। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो आदमी छोटे से ही ऊपर जाता है। जी जी जी। तो अब आपका घर में काम चल रहा है ना? हाँ अभी तो चल रहा है, अभी इसमें तो टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगता है, तो भगवान का देखो करम है, अल्लाह का करम है, शुक्र है। और आपके सात दिन में इतने सब्सक्राइबर हुए? हाँ सात दिन में देखो ना किसके होते हैं, किसी के नहीं होते इतने जल्दी। और अब करम रहेगा तो देखो और भी ऊपर काफी इंशाल्लाह इस महीने के अंदर हम 2 लाख कर लेंगे। हाँ तो हो जाएंगे आपके 2 लाख, क्योंकि आपके डायलॉग इतने मशहूर हैं कि आपको लाखों लोग जानते हैं ना, करोड़ों जानते हैं, लाखों के हाँ लाखों करोड़ों जानते हैं आपके, कई के मिलियन में पहुंच गए ना आपकी। हाँ, तो भाई कई अभी मैं आज दमाजी वाली मैं खुद बना रहा हूँ। अच्छा उसमें अलग ही मजा आगे लोगों को, अरे देखेंगे हम। हाँ जरूर देखिए आप, हम तो देखते ही हैं आपकी वीडियो, काफ़ी देखी है हमने जी। तो आप वो एक बार डायलॉग बोल दो। इस बार से यार मैं खाना खा के आया, कोई डायलॉग नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा खाना खा के अभी मैं बैठा हुई था खाना खा के। अच्छा अच्छा तो हमारे चैनल के लिए कुछ बोल दो, बरेली राम ब्लॉगर चैनल है भाई। मेरा भतीजा अगर होता तो मैं बोल देता, मगर मैं इस बार का नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा इंशाल्लाह आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपके, मैं साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जब चाहो आप मुझसे मिल सकते हो, मेरी टीम से मिल सकते हो, पूरी टीम मेरी आपके चैनल के बारे में बोल रही है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। ये बात सही है आपकी कि देखो हमें बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, चलेगा उसको ठीक है। और भरोसा रखो उस पर, इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में हो ना वो दिखा खाए ना। ना ये बात सही कर रहे हैं, उस पर उससे लो लगाओ। अगर भगवान पे या अल्लाह पे भरोसा हमें होता है तो इंसान का हर कोई हमारा साथ देता है, उस पर भरोसा रखो आप, किसी पर मत रखो। हाँ सही कह रहे हो, और आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं है मेरा भाई जी, मैं तो याद रखो। लेकिन कोई किसी का नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, जरूरी है। वो पहले के थे लोग जो अपने इंसान, अरे यार जी बहुत गरीब, उनने अपना सब कुछ दे दिया जी। आजकल का तो वो ये सोच रहे हैं इस गरीब का भी मैं खा लूँ। हाँ सही कह रहे हो आप, आपसे एक ख्वाहिश थी हमारी मिलकर आए, काफी दिन से ख्वाहिश थी, हम रहते थे अभी नोएडा में रह रहे थे जी जी, तो काफी दिन से ख्वाहिश थी हमारे अपने घर पे जादवपुर जी जी। फिर आते ही हमने सोचा कि चलो सही है मिलेंगे अब जाके, तो अभी गए थे हम उस वाली गली में, किसी ने हमें बताया कि उधर गली में, तो हमने की उधर गली में उधर पूछा तो कहना टेम्पू लेके गए, हमने टेम्पू लेके गए हमने, वो तो चाचा तो कह रहे थे कि वहाँ पर कपड़े का हम काम करते हैं और वीडियो बनाते हैं, हमने तो उधर नहीं होंगे इधर होंगे, तो किसी ने बताया कि उधर उधर हैं, वो उधर रहते हैं, तो हम इधर आए मिलने आपसे। आप जब चाहो मिल सकते हो, और आप इंशाल्लाह हमें टाइम देकर आप आओ, पूरी टीम आपसे मिलेगी जी। नहीं यार हम घर में आए मना करवाने, हम उसमें को नहीं भाई। नहीं देखो घर पे अगर कोई आता है तो वो उसे मना नहीं करना चाहिए, बेशक हमसे भी मिलने आते हैं कई, हमने कभी मना नहीं किया किसी को भी जी जी। अल्लाह आपको कामयाबी देगा, ऐसा कुछ नहीं मेरा भाई जी, आप मेहनत कर रहे हो कामयाबी देगा, बस आपका आशीर्वाद बना रहा है, कोई बात नहीं है। आप भी मेरे बच्चे जैसे हैं, आप सभी का आशीर्वाद मिला। और जब आपसे अब मिलना होगा तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं जब हम मिलने आएंगे? मैंने अभी पीलीभीत के सलमान मलिक हैं जी जी,
बहुत अच्छा उनका चैनल है, 8 लाख उनके वो है। तो उनकी एक वीडियो शूट हुई थी कब्बाली की थी, रमजानों की। तो उन्होंने एक ऑफर एक लड़के को दिया, कब्बाली यहीं वाले ने गाई, निजुक भी उसी का लड़के का, रेहान रेहान खान है, अच्छे कब्बाली भी गाते, प्रोग्राम होते हैं उनके, यूट्यूबर है वो भी भाई। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, लखपति दिखाना है उसमें, वो मेरी वीडियो देखते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चाचा से मिले, वाह यार चाचा भी रोल कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन उन पर भी नंबर नहीं था जी। मेरे भतीजे हैं नूर जगह, तो उनसे उन्होंने नंबर लिया, मैं खाना खा रहा था, फ़ोन आ गया, मैंने पता नहीं किसका नया नंबर है। मैंने कहा हेलो, हेलो साहब अस्सलाम वालेकुम, बोले मैं आप पहचाना मुझे, मैंने बोले यार नैनीताल में किसान के संग हमने गाना शूट करा था, मेरी आवाज़ थी है ना। हाँ मैंने कहा हाँ रेहान बोलो, बोले आपको एक शूट करना है, मैंने कहा बताइए, बोले शूट आप ही कर सकते हो और इनका क्या नाम है, याददाश्त भी कम होती जा रही है यार, क्या नाम बताया था मैंने मलिक साहब का, हाँ नाम है सलमान बता रहे, सलमान मलिक, हाँ सब। बोले यार उनका अरमान है, मैंने कहा ठीक है भाई उनका करूँगा, बोले ठीक है। 3 पार्ट थे उसके, हाँ। एक पार्ट था खाना खाने का, खाली हमारा रमजानों का दिन था, अख्तियारी का कट हो गया, उसके बाद में फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। भाई ने यार बड़ी इज्जत दी मुझे, इतनी इज्जत दी कि पूछो मत यार, इतना बड़ा यूट्यूबर किसको इज्जत देता है गरीब को। नहीं नहीं इज्जत जरूर देनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है बड़ों को इज्जत नहीं दोगे तो यार, कितने बड़े हो जाओगे। जब मैं घर से घर को चला, भीड़ काफ़ी लगी हुई थी, उनकी टीम अल्लाह वहाँ से बहुत अच्छी थी जी, 11-12 जने थे। तो जब मैं घर को चला तो मुझे रोका, बोले चाचा जरा रुको, तो मैं रुका। जब मैं रुका तो उन्होंने मेरी जेब के अंदर 5,000 रुपये डाल जी, बोले तुम्हें मेरी कसम ये अपनी औलाद ही समझो। मैंने कहा यार मैं पैसे के लिए कौन नहीं आया था, सिर्फ बात पे आया था लड़का, बोले रख लो। तो उन्होंने 5,000 रुपये मुझे दिए, बोले चाचा आप नंबर दे दो, नंबर मैंने सब दिए, दोनों नंबर दिए उनको, जरा सी खुन्नस चढ़ गई थी, मैंने मोबाइल तोड़ दिया अपने, अब कल मैं लेता हूँ। अच्छा मोबाइल तोड़ दिया है आपने। बहुत बहुत ऊँचा आदमियों का नंबर था मुझसे। अच्छा तो फिर आपका नंबर हमें कैसे मिलेगा, फिर नंबर में आप ले जाओ, मैं कल कल लाऊंगा मोबाइल, आज तो लाऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा तो मोबाइल दियो, नंबर ले लेते हैं अंकल। आप जब चाहो यार फोन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं भाई। नहीं आपकी हेल्प मिलती रहेगी, हम आपसे बात कर लिया करेंगे, वो आपसे मिलने भी आते रहेंगे। अभी देखिए सलमान साहब हम बुला रहे हैं पीलीभीत जी, अभी नूर आया था परसों मेरे को, तो उन्होंने कहा यार सलमान भाई ने बुलाया तुम्हें, तो वो पोज वगैरह निकाल के ले गया था मेरा जी। पार्टी थी घर में मेरे 40 की, 40,000 की जी, काटा था मैंने, तो उसको भी बुलाया था, तो आया था। तो आप ये बताइए, अगर जो आपका नंबर होगा जी जी जो आप बताएंगे तो वो अगर वीडियो में शो होता है चारा जाड़ों में, उसका यार मुझे बड़ा अफसोस है कि यार उसने मुझे सलाह फोन तलक का नहीं करा। अच्छा आपने देखा होगा इंटरव्यू के लिए इतना बड़ा बच्चा आया था। हाँ हाँ मैंने देखा था भाई साहब, 4 लाख चलना बहुत मामूली बात नहीं। हाँ, हाँ। मगर उसने मुझे ये नहीं फोन करके नहीं कहा। अरे क्यों नहीं यार, मैंने कहा यार देखो यार कितना है ऐसा, मैंने उसे हुआ गया वो इंटरव्यू को आया, उन्हें डायरेक्ट अपने घर पे वीडियो कॉल फोन लगा दिया, उसका पापा मम्मी सब सो रहे थे, बोले वो चाचा जरा हमारे इनसे बात करो। उन्होंने बेचारा नमस्ते करे, मैंने नमस्ते, बोले जरा बच्चे को सिर पे हाथ रख देना। मैंने कहा भाई आपका बच्चा नहीं हमारा ही बच्चा जी, और लो मियाँ 4 लाख चल गया, उसने ये नहीं कहा कि क्या। देखो हम देखो जादवपुर से हैं और सब कुछ आपको मानते हैं। तो लाल फाटक की तरफ है? नहीं जादवपुर ये भोजीपुरा की तरफ। अच्छा 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 जादवपुर भोजीपुरा की तरफ है। अच्छा तो हम वहाँ से आए हैं जी, तो हम आपको मानते हैं ऐसा नहीं है, और आएंगे आपसे मिलने आते रहेंगे, आपसे कॉल पे बात होती रहेगी। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, फोन से जो होता है ना एक एक ताल्लुकात बढ़े रहते हैं यार, मोहब्बत है जी जी, बस आपसे मोहब्बत है तभी हम आए और आपसे मिलने आए हैं इसीलिए।
तो अगर आप अगर ये बात सही है कि उनने जाके आपको कॉल नहीं की जी, मतलब इतनी वीडियो वायरल होने होने के बाद भी बताते कि चाचा को थैंक्स करते नहीं, थैंक्स नहीं यार, खाली दुआ सलाम बहुत था। हाँ दुआ सलाम ही है ना मानसी भाई, यार आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाओ, बस खाली दुआ सलाम जाओ जी जी, बस कोई भी धर्म में सही, मुसलमान में हो हिंदू में हो कोई भी धर्म जी, हाँ दुआ सलाम ही जाता है। तो चाचा अब कब आए मिलने, आपको फ़ोन कर लेंगे हम। हाँ फ़ोन कर लेना आप इंशाल्लाह, और आपकी शूटिंग भी देखनी है एक आध दिन हम, जब चाहो देख सकते हो। हम दामाद जी जब किस दिन मनाएंगे आपको फ़ोन कर देंगे कि हाँ यार दामाद जी मान रहे हैं जी जी जी। हाँ ठीक है ठीक है, आप आशीर्वाद दो। नहीं नहीं बस अभी चाय पी के ही आए हैं। हाँ आप आशीर्वाद दो और आपका आशीर्वाद बन रहा है, हम यही चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी भाई, ये हमारे दिल से दुआ है। ठीक है मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि चाचा से हम मिलके आ गए हैं। दोस्तों आप बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल करने सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। बाकी चाचा से हम मिलते रहेंगे, चाचा का नंबर हम ले आए हैं, और चाचा हमारे वीडियो में काफ़ी आते भी रहेंगे। तो दोस्तों जो चाचा का चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि चाचा को थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और चाचा को भाई सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है, वो इतने फेमस हैं कि बस क्या बताएं आपको, इतनी इतनी वीडियो वायरल है, करोड़ों में उनकी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। तो आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ रियल था। और दोस्तों चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में, और चाचा से भी बात होती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।